अपनी गर्दन झुकाकर कुछ महीने पढ़ लो तुम, अपनी गर्दन झुकाकर कुछ महीने पढ़ लो तुम, यकीन मानो अपनी स्कूल में सबसे ऊंचा सिर तुम्हारा ही होगा, तुम्हारा ही होगा। तो हेलो, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको करवा रखे थे PYQ में नंबर सिस्टम्स का। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखा है तो आप इस वीडियोस को देख लो, जिससे कि आपको इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं PYQs, वो सभी क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 8 से आगे करेंगे बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। तो देखो, कह रहा है इफ 90.067 इज डिविजिबल बाय 15, देन क्वेश्चन इज, ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम्स क्लास 6 के लिए 2000 में पूछा गया बच्चों। ये चार ऑप्शंस हैं, तो चलिए कैसे करेंगे। तो देखो, आप क्या करेंगे, ये जो हमारा दिया हुआ है इसको आप 15 से डिवाइड कर दीजिए, और जो डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही आपके क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन हो जाएंगे। या आप इस तरीके से कर सकते हैं, 15 से क्या करेंगे 90.0675 में क्या कीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, तो देखो 15 सिक्सा कितना होता है 90, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो यहां पे पॉइंट आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फिर क्या होगा बच्चों, 67 क्या हो जाएगा, 67 आ जाएगा। तो फिर यहां पे एक साथ तो उतरेगा ना, एक जीरो और आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, 15 फोर जा कितना होता है 64 आ जाएगा। ठीक है, यह आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 5, ये कैंसिल। तो अब यह हो जाएगा 15 25 75 होता है 75 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ये आपका क्या होता है, क्वेश्चन होता है। तो अगर आपको पता हो इस तरीके से, तो ये जो होता है डिवाइजर होता है बच्चों। ठीक है, बी को हम लोग डिवाइजर बोल देते हैं, ए को डिवाइडेंट बोल देते हैं, और क्यू को क्वेसेंट बोलते हैं, और नीचे जो आता है इसको रिमाइंडर बोलते हैं। या फिर आप ये कह लें ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ये आपका एक सिस्टम फॉर्मूला होता है। डिवाइडेंट इक्वल्स टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ जो वैल्यू होता है वो क्वेसेंट का होता है, ये डिवाइडेंट का होता है, और ये रिमाइंडर का होता है, ये डिवाइजर। डिवाइजर मतलब जिससे हम भाग देते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है बच्चों, 6.0045। तो देखो ऑप्शन है ए है बच्चों, तो ए क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। क्लियर, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बच्चों। ये भी 2019 का क्वेश्चन से बच्चों पूछा गया है नंबर सिस्टम से, राइट। तो देखो कह रहे, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाय 65 इंस्टेंट ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56, बाई हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। ओके, तो देखो अब क्या कह रहा है आपको, कि जो 7236 को एक बार 35 से उन्होंने मल्टीप्लाई किया, फिर उन्होंने इंस्टेंट 56 से मल्टीप्लाई किया। ठीक, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। इसको बच्चों अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो क्या पहले आप 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर 6 से मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों को 136 को क्या करेंगे, 56 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा, 44216 आ जाए। मतलब ये क्या होगा बच्चों, 4,55,260। आप इसे चाहो तो मल्टीप्लाई कर लेना, ये तो आपको आते ही होंगे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच की रिक्वायर्ड आंसर, या रिक्वायर्ड आंसर अगर आप निकालते हैं, क्या निकालेंगे, रिक्वायर्ड आंसर या डिफरेंस कह लीजिए आप, तो क्या होगा बच्चों, ये देखो 4 लैक्स है 70,000, तो क्या करेंगे 4,70,340 माइनस क्या करेंगे बच्चों, ठीक है 6,12,504। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या है 4,55,000
5260। तो इसमें से अगर आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो देखो इसमें से कैरी लोगे 10 में से 6 आएगा तो क्या होगा बच्चों, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये बच गया 3 में से 1 जाएगा तो क्या होगा बच्चों, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो गया, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से कैरी लोगे तो ये कैरी लोगे तो 10 में से जो अगर 5 जाएगा तो क्या होगा बच्चों, 5 निकल के आ जाएगा। और इसमें ये क्या बच जाएगा, 6, तो ये हो जाएगा 6 और ये कैंसिल, तो क्या हो गया 65,124 आ जाएगा। तो क्या ये आंसर्स हैं, आप देखो ए ऑप्शन नहीं है बच्चों, बी 65,000 यस बच्चों बी है, तो ये बी क्या होगा राइट आंसर। तो कह रहे हाउ मच वाज ग्रेटर देन करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर से कितना ज्यादा होगा, 65,124 क्या होगा ज्यादा होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इनको अच्छे से ध्यान से केयरफुली करके पढ़ना। ओके, कह रहे देयर आर 17 रूम इन स्कूल्स, कह रहे एक स्कूल है जिसमें 17 रूम है, एवरी रूम हैज 2 फैन, हर एक रूम में 2 फैन है एंड 4 एलईडी बल्ब, और 4 एलईडी बल्ब है। तो हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी स्विचेस आर रिक्वायर्ड फॉर द स्कूल, तो स्कूल में कितने स्विच रिक्वायर्ड होंगे। इफ एवरी फैन रिक्वायर्ड स्विचेस फॉर एवरी 2 बल्ब्स, राइट, कह रहे कि एवरी फैन रिक्वायर्ड अ 1 स्विच एंड एवरी बल्ब रिक्वायर्ड एज क्या है उनके अकॉर्डिंग स्विचेस हैं बच्चों। ठीक है, फॉर 2 बल्ब्स के लिए। ठीक, तो देखो आपके पास क्या है 17 रूम्स है, ध्यान देना। ठीक है, एक रूम में क्या होता है बच्चों, एक रूम में जो है वो 2 फैन लगा हुआ है और 4 बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, 2 फैन और 4 बल्ब लगे हुए हैं। ठीक है, तो एक फैन का कह रहे एक स्विच है, तो 2 फैन है तो 2 स्विच लग जाए, और फिर क्या कह रहे हैं 4 फैन के लिए 2 बल्ब के लिए एक स्विच, तो 4 बल्ब के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, 2 into 2, मतलब क्या हो जाएगा, 2 बल्ब के लिए एक स्विच होगा तो क्या होगा, टोटल क्या हो जाएगा 2 into 1, यानी 2 स्विच आ जाएगा। तो टोटल क्या हो गया, ये 2 स्विच इसके लिए, 2 स्विच इसके लिए, तो टोटल स्विच कितने हो जाएंगे बच्चों, एक रूम में हमें कितने स्विच लगेंगे, 4 स्विच लग जाएंगे। एक रूम में कितने स्विच लग जाएंगे, 4, 2 फैन का और 2 बल्ब का। तो हमें कितना दे रखा है, 17 रूम है बच्चों, राइट, तो 17 को क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, ठीक है, 17 4 68 होता है। ठीक है ना, तो 68 क्या होगा आपके राइट आंसर। तो देखो बच्चों 60 बी आपका राइट आंसर है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 डिजिट नंबर व्हेन एडेड 27 गेट्स रिवर्स, तो कह रहे बच्चों 2 डिजिट का वो नंबर बताइए, कह रहे जिसमें 27 ऐड करेंगे तो वो नंबर रिवर्स हो जाएगा, क्या होगा वो नंबर रिवर्स हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं, तो ये 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। रिवर्स मतलब समझ में आ रहे हैं ना बच्चों, अगर ये 2 है तो क्या होना चाहिए, 72 हो जाना चाहिए, ये रिवर्स होना चाहिए। ठीक है, चलो तो देख लो, अगर 27 ऐड करते हैं, ठीक है, 27 में 27 ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 4, ये हो जाएगा बच्चों 54, तो ये नहीं होगा। अगर 24 में अगर ऐड करके देखो, इसको चेंज करेंगे तो नहीं आएगा ना सेम नंबर, चलो इसमें से ऐड करके देखो, तो देखो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें 7 4 क्या होगा 11 और ये हो जाएगा 51, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। इसको चेक करके देख लो, 45 में अगर 27 ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 7 5 12 और 4 2 6 72, तो देखो 72, तो 72 को अगर आप रिवर्स करते हैं तो क्या हो जाएगा, 27 आ जाएगा। तो देखो ये रिजल्ट आ गया, यही तो कह रहा था ना वही कि 72 गेट्स रिवर्स, अगर 72 ऐड कर रहे हैं ना इन चारों नंबर में तो वो रिवर्स आ जाए,
तो क्या होगा, 45 वो नंबर है जिसमें 27 ऐड करेंगे तो वो नंबर रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं 12 क्या कह रहा है। तो देखो कह रहे हैं द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट, तो ये डिजिट आपको दिया हुआ है, इसे यूज कर करके आपको 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। ये 2018 में पूछा गया है बच्चों। तो देखो जब भी इस तरीके क्वेश्चंस आता है ना, तो जो वैल्यूज आपको दिया हुआ है आप डायरेक्ट उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। तो देखो सबसे बड़ा इसमें क्या दिख रहा है आपको, 8 है तो आप 8 लिख लीजिए। फिर क्या है बच्चों, 7 है तो 7 लिख लीजिए। फिर क्या है, 6 है, ठीक है। फिर क्या है, 5 है बच्चों, ठीक है। तो हमने 8 ले लिया, 7 ले लिया, 6 ले लिया, 5 ले लिया, दो बार 5 है बच्चों, तो एक बार 5 और ले लोगे, ठीक है। अब देखो क्या है उसके बाद, उसके बाद क्या है, 2 है, फिर क्या है, 1 है, फिर 0 है। तो ये नंबर आ गया आपका, सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, 8765551010। अब ये देखने इसमें से कोई है क्या, है या नहीं। तो देखो बच्चों 87 यही है बच्चों, डी ही है आपका आंसर, 8765551010, राइट। तो ये क्या होगा, 8 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होगा इस नंबर को यूज करके, क्लियर। अच्छे से आ गया समझ में, ठीक है। चलो बच्चों एक क्वेश्चन मैं इसी के बेस पे देता हूँ आपको, देखता हूँ आप समझ में आया या नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताना इसका आंसर, ठीक है बच्चों। मैंने आपको 3 दिया, 2 दिया, 5 दिया, 9 दिया, 7, 8 और 6, ठीक है। इसका सबसे लार्जेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है ना, 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा इसका, मुझे कमेंट करके आंसर बताओगे बच्चों, ठीक है। मैं आपके आंसर का वेट करूंगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो 13 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ दैट इज, ये भी 2018 में पूछा गया है बच्चों, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है ना। तो देखो इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ये 4 ऑप्शंस है। तो आप इनको कैसे कर सकते हो, ऐसे भी कर लो आप, 10 0 10 मल्टीप्लाई है बच्चों, तो 25 को क्या लिख सकते हो, ऐसे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आप इसको करोगे बच्चों, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, 20 20 20 आ जाएगा, और इससे इसको करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 50 50, ठीक है ना, ये निकल के आ जाएगा। अब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, 25 25 25 आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। ये 5 जो है इसकी जगह पे शिफ्ट होता चला जाएगा, देखो 2 2 4 5 2 2 4 2 6, तो शिफ्ट हो जाएगा इसके अंदर, राइट। तो आपका क्या होगा, ये आ जाएगा 25 25 25 आ जाएगा, क्लियर। अच्छे से आ गया समझ में, ओके। चलो अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है। तो 14 क्वेश्चन में देखो कह रहे राइट रोमन न्यूमरल्स, ये आपको रोमन नंबर्स दे रखे हैं बच्चों। इससे पहले के वीडियोस में मैं आपको अच्छे से बताया था 7 सिंबल होते हैं, उसमें से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे बच्चों, तो आप जरूर इस क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो देखो सी डी है, सी डी प्लस क्या है एक्स एल और प्लस क्या है आई एक्स। तो देखो सी डी का मतलब क्या होता है, एक्स एल का मतलब क्या होता है, आई वी का मतलब क्या होता है। तो सी डी का मतलब क्या हो गया बच्चों, 400, एक्स एल का मतलब क्या होता है, 40, और आई एक्स का मतलब क्या होता है, 9। तो ये क्या हो जाएगा, 449 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये आपको आंसर देखना है या नहीं, यस बच्चों बी है, तो ये क्या हो जाएगा, बी 449, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। अच्छे समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, ओके। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहे अ टॉल ऑफिस बिल्डिंग हैज, कह रहे एक टॉल बिल्डिंग ऑफिस हैज 85 फ्लोर्स, ईच फ्लोर हैज 48 विंडोज, ठीक है। ईच विंडो is to be decorated with 64 tiny bulbs. How many bulbs would be needed to decorate all the windows? Clear? कह रहा है आपको कि एक ऑफिस में 84 floors की buildings है, ठीक है।
जिसके अंदर एक फ्लोर में 48 विंडोज हैं, और एक विंडोज के लिए हमें कितना लगता है बच्चों, 64 टाइनी बल्ब्स लगता है, ठीक है ना। तो हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी बल्ब वुड बी नीडेड, कितनी नीडेड है डेकोरेट करने के लिए ऑल द विंडोज, टोटल विंडोज को। ये भी बच्चों 2018 में ही पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले रिक्वायर बल्ब लिखेंगे। क्या लिख देंगे, रिक्वायर्ड अगर बल्ब चाहिए तो क्या करोगे, पहले 85 को क्या करो, 85 को आप पहले 48 से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ विंडोज आ जाएगा, कितनी फ्लोर्स और विंडोज, कितने विंडोज आएंगे। अब देखो एक विंडोज के लिए 64 टाइनी बल्ब्स हैं, तो टोटल विंडो के लिए कितना होगा, बस आप क्या करो, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर इसके बाद करो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 480, फिर 64 से मल्टीप्लाई करो। अब अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 261120, ठीक है ना, 261220, राइट बच्चों। तो ये क्या होगा, आपके आंसर आ जाएंगे, कितने आ रहे हैं बच्चों, 2126 1120, ओके। तो क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चों, अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, 5 डिजिट्स नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 19 इज, ये भी बच्चों 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। तो कह रहा है कि 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, तो आपको 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पता है बच्चों क्या होता है, 1 पे 40 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 पे 40, यही क्या होगा, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 19, वो नंबर 19 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब इसको अगर आप डिवाइड करेंगे, देखिए ध्यान से, अगर 19 से डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो डिवाइड करते हैं, क्या रिजल्ट निकल के आता है वो हम देख लेते। तो 19 5 क्या हो जाएगा, 95 आ जाएगा। इसमें से इसको ये करोगे तो क्या हो गया, 5 आ जाएगा, कैंसिल, फिर आ जाएगा 50। अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 लग जाएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 2 कैंसिल। अब क्या होगा बच्चों, फिर आ जाएगा 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है ना, अब यहाँ पे अगर आप इनको सॉल्व करते हैं, 38 आ गया, इसमें से कैरी लोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2 आ जाएगा, और ये क्या निकल के आ जाएगा, ये 4 में से 3 जाएगा 1 120 आ गया ना बच्चों, क्या होगा, 120, ठीक है। अब देखो 120 को अगर आप क्या करते हो, 6 से 19 को क्या करोगे, 19 अगर 19 को अगर आप क्या करिए, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 5 कितना हो जाएगा, 45, ठीक है, 9 5 54 होगा ना बच्चों, 54, ठीक है, 54 आ जाएगा, और इसको करोगे 54, और ये क्या हो जाएगा, 6 4 क्या हो जाएगा, 54, 144, तो यहाँ क्या होगा, 120 में से 144 अगर ये करते हैं तो 6 आ जाता है रिमाइंडर, तो ये आ जाएगा 6, टोटल क्या हो जाएगा आपका, ये नंबर। तो हमें क्या कह रहा है कि 5 डिजिट का नंबर बताइए, एग्जैक्टली कटेगा ही नहीं, तो ये तो नंबर होगा नहीं ना बच्चों 5 डिजिट का। चलो तो क्या करेंगे आप, 526 नंबर आया। अब इसको क्या कीजिए, आप 19 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, 526 आया ये नंबर। अब इसको क्या करेंगे आप, 90 से मल्टीप्लाई करो, और 90 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट जो आएगा बच्चों 9994। अब क्या कीजिए आप इसमें, इसमें 19 प्लस कर दो, ठीक है, अब इसमें 19 प्लस करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा बच्चों वो देख लो, 93 कितना, 94 कितना हो जाएगा, 3, 91 क्या हो जाएगा, 0, और ये हो जाएगा 1, और ये क्या होगा, 0 0 1। अब ये देखो क्या नंबर हो गया, 1 10 100 1000 10000, मतलब क्या हो गया, ये आपको क्या हो गया, 5 डिजिट का नंबर हो गया ना, 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट का,
और ये 5 डिजिट का वो नंबर है बच्चों, सबसे छोटा नंबर है जो 19 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। ये वो नंबर है जो 19 से एग्जैक्ट डिवीजन हो जाएगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो 17 में कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज इतना, दो नंबर का जो सम है वो आपको इतना दिया हुआ है, जिसमें से एक नंबर आपको ये दिया हुआ है, तो कह रहे फाइंड द अदर नंबर, ठीक है। चलो तो देखो बच्चों, एक नंबर हमें मान लेते हैं, हम दूसरा नंबर हमको नहीं पता तो उसको एक्स मान लेते हैं। तो एक नंबर हमें दिया हुआ है 9999 और दोनों का जो सम है वो 11000, ये आपको दिया हुआ है, 1, 10, 100, 1000, 10000, राइट। तो क्या करेंगे आप, एक्स निकालना है, तो 11000 ये जो होगा 1, 10, 100, 1000, 10000, 11000 में से क्या करेंगे 9999 लेस कर दीजिए, ठीक है। 9999 अगर आप लेस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो रिजल्ट क्या निकल के आ जाएगा, 1010 आ जाएगा। क्या होगा, 10-10 आ जाएगा। तो देखो है ऑप्शन यस इसमें या नहीं, यस बच्चों ए है, तो ए आपके राइट आंसर होगा, क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। तो देखो क्वेश्चन 18 में कह रहा है कि राउंड ऑफ करना है, ये जो नंबर दिया हुआ है इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100। तो देखो बच्चों, इससे पहले वीडियोज भी मैंने बताया था, जब भी 100 का नियरेस्ट देखना होता है ना, तो 10 प्लेस को देखते, ठीक है ना। तो 1, 10, 10 प्लेस को देखोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, यानी 3, 7, 5, 0, 7 में अगर 10 प्लेस को देखेंगे बाकी, तो क्या रिजल्ट आएगा, 3, 3, 7, 5, 0, ये नंबर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ए क्या होगा बच्चों, राइट आंसर, क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों 19 क्या कह रहा है। देखो 19 में कह रहे हैं द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर फॉर्म बाय यूजिंग दैट, ठीक है। तो इससे छोटा नंबर बनाना है, तो सिंपल, हमने जब इसका बड़ा बनाना होता है तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं, छोटा बनाना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका क्या होगा बच्चों, 12345, ठीक है, 12345 इज द राइट आंसर, क्लियर। अच्छे से आया समझ में, अगर यहीं पे कहता कि स्मॉलेस्ट के जगह लार्जेस्ट कहता तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाते, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाते, और अगर ये स्मॉलेस्ट नंबर में कह रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, और अगर लार्जर कहता तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, क्लियर।